हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया था और मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है पॉइंट टू पॉइंट। इन वीडियो को देखकर आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा सकते हैं और आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट तथा उसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ये अपन चार अधिनियम पढ़ चुके हैं जो दो वीडियो में मैंने दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें और उन वीडियो को देखने के बाद बैक टू बैक आपको सारी वीडियो देखनी है, तभी आपके समझ में आएगा। चलो, टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, देखिए इसमें क्या क्या वर्क हुए। इसके द्वारा कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा अब ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी को भारत का शासन करने को कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को जो व्यापारिक एकाधिकार था, मोनोपोली थी, कंपनी अकेली व्यापार करती थी भारत में, उसको अब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से कहा कि आप सिर्फ भारत पर शासन करिए, आपको व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जोड़ा गया था। इसके बाद है, गवर्नर जनरल का भारत में टैक्स और बजट का अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, बम्बई व मद्रास के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। कंपनी से भेदभाव का अंत किया गया और भारतीय शिक्षा पर 10 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दे दिया गया। पिछले वाले वीडियो में 1813 ईस्वी के अधिनियम में अपन ने पढ़ा था, भारतीय शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1833 ईस्वी के अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर 10 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, अंग्रेज़ों को भारत में भूमि क्रय व निवास का अधिकार भी दे दिया गया, यानी कि अब अंग्रेज आराम से भारत में भूमि क्रय कर सकते थे और निवास कर सकते थे। ये कुछ पॉइंट हैं 1833 ईस्वी के अधिनियम से संबंधित। तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगला स्टार्ट करते हैं, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या हुए, सारे पॉइंट्सों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, अर्थात जो विधि से संबंधित कानून से संबंधित कार्य थे उनको अलग कर दिया गया और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे, कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है, विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद बनाई गई जिसमें 12 सदस्यों को शामिल किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों से थे, अतः क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लाया गया। इस जो विधान परिषद बनाई गई थी इसमें 12 सदस्यों को शामिल किया गया और ये 12 जो सदस्य थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे, अतः क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लाया गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी
कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने की व्यवस्था की गई तथा इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन किया गया। देखिए, इससे पहले कंपनी के जो बड़े बड़े पद होते थे उनको बिना एग्जाम के भरा जाता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1853 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा, जिसे ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, ICS भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई। भारत के पहले ICS बनने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ब्रदर थे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इस परीक्षा का आयोजन भारत में पहली बार इलाहाबाद में किया गया। यानी कि जो ICS एग्जाम हुआ था भारत में पहली बार, वो कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में भी आपको बता देना चाहता हूँ, सेंट क्योर यूनिवर्सिटी में, सेंट क्योर यूनिवर्सिटी। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए इसके बाद अगला जो अधिनियम आता है वो है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें क्या कार्य हुए उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रीट 2011 में आ चुका है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन लेकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके बाद अगला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या है, वो पीछे वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है, भारत में शासन संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब क्या होगा, जो राज्य सचिव है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में बैठेगा। भारतीयों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो कहेंगे राज्य सचिव से, और राज्य सचिव उनकी बातों को पहुंचाएगा ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इस ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट है, भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सारी शक्तियाँ दे दी गई। अगला पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय कर दिया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे या वायसराय पद को किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय का पद दे दिया गया। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 1858 के अधिनियम से संबंधित। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको तीन अधिनियम समझाने की कोशिश की है, 1833 ईस्वी का अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट और 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।